सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से येस बैंक स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम ये वीडियो पे ये जानेंगे कि अभी ये येस बैंक का स्टॉक ऊपर की तरफ जा पाएगा या नहीं, क्या ये येस बैंक स्टॉक के ऊपर हमको पोटेंशियल दिख रहा है कि ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो येस बैंक स्टॉक के लिए किसी लेवल के आसपास हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस का लेवल टूटेगा तो येस बैंक का स्टॉक कितना ऊपर तक जा सकता है। अगर ये स्टॉक इसी लेवल से नीचे की तरफ आता है तो ये स्टॉक के लिए किसी लेवल के आसपास हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बनेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल टूट जाता है तो फिर येस बैंक का स्टॉक कितना नीचे तक जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमें सारी डिटेल्स ये येस बैंक स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करके ये स्टॉक के बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने येस बैंक स्टॉक का डेली चार्ट ओपन किया है। तो दोस्तों, ये डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप उसका एक डेढ़ महीना का चार्ट को देखोगे तो दोस्तों ये स्टॉक कॉन्टिन्यूसली हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म करके ऊपर की तरफ ही जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और ये स्टॉक कॉन्टिन्यूसली इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, ये ट्रेंड को देख के हमको पता चल रहा है कि ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज अभी नोटिस करना है। देखिए दोस्तों, जब ये स्टॉक ये 65 लेवल से लेकर ये 75 लेवल के आसपास पहुंच गया, इसी लेवल के बाद देखिए स्टॉक ये रेंज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है और देखिए अभी एक रेंज के अंदर 7-8 ट्रेडिंग डे से ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये जो रेंज आपको दिख रहा है, देखिए एक डबल टॉप का लेवल के आसपास आया है। तो ये स्टॉक के लिए ये जो डबल टॉप का लेवल है, तो देखिए दोस्तों, ये डबल टॉप का लेवल 68-69 लेवल से 75 लेवल के रेंज के अंदर ही आ रहा है और ये 75 का लेवल ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल जैसा बिहेव कर रहा है। तो दोस्तों, जब तक ये स्टॉक ये 75 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जाता है और मिनिमम 3 ट्रेडिंग डे इसी 75 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तो दोस्तों तब तक आपको इसी स्टॉक के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप इसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हो, दोस्तों ये स्टॉक फंडामेंटली एक अच्छा स्टॉक है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब तक उसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने के लिए हमको सिग्नल नहीं दे रहा है, तब तक हमको बाइंग नहीं करना चाहिए। और ये स्टॉक के ऊपर अगर ये 75 के ऊपर मिनिमम 2-3 दिन इसके ऊपर ट्रेड करेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो दोस्तों इस स्टॉक पे ऊपर जाने के लिए हमको क्लियर कन्फर्मेशन मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर आप इसी स्टॉक पे खरीदारी करना चाहते हो तो आप ये लेवल के आसपास खरीदारी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर ये स्टॉक ये रेंज को क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है और बेसिकली इसे ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाता है, तो दोस्तों ये स्टॉक और ज्यादा नीचे की तरफ आएगा। और देखिए, अगर ये ट्रेंड लाइन ये स्टॉक क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाएगा और इसका नीचे क्लोजिंग दे देगा, तो दोस्तों ये कुछ दिनों के अंदर वापस इसी 29 लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, अभी अगर आप इसी ट्रेंड को देखोगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है ये एक 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है और ये स्टॉक इसी 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर 7-8 दिनों से ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक पे धीरे धीरे अपवर्ड मूव का सिग्नल आ रहा है, लेकिन जब तक ये क्लियर कन्फर्मेशन नहीं दे रहा है तब तक हमको इसी स्टॉक पे एंट्री नहीं करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, ये 2-3 दिन का ट्रेड को अगर आप देखोगे, ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, ये स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट का ट्रेंड को चेंज कर देता है। तो देखिए, 1-1.5 महीना से इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ था, तो ये लेवल से इसका ट्रेंड नीचे की तरफ जाने के हमको थोड़ा बहुत सिग्नल मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों, जब तक हमको क्लियर कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तब तक हमको इसी स्टॉक पे एंट्री नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये स्टॉक इसी 75 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो दोस्तों ये कुछ दिनों के अंदर ये स्टॉक ये 99 लेवल के आसपास आराम से पहुंच जाएगा, क्योंकि देखिए इसी 99 का लेवल ये स्टॉक के लिए हमारी फास्ट टारगेट के हिसाब से आ रहा है, क्योंकि ये 99 का लेवल
ये स्टॉक के लिए एक डबल टॉप का लेवल के आसपास आएगा। तो अगर ये स्टॉक 75 लेवल को क्रॉस करता है तो ये 99 लेवल तक ये स्टॉक के लिए और कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल नहीं आ रहा है, तो ये स्टॉक इजीली 99 लेवल के आसपास पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था येस बैंक स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस। और इसी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अभी अगर आप इसी स्टॉक पे एंट्री करना चाहते हो तो दोस्तों अभी आपको थोड़ा वेट करना है। अगर ये स्टॉक 75 के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है और मिनिमम 2 से 3 दिन ट्रेड करता है तो अभी दोस्तों आप इसी स्टॉक पे एंट्री कर सकते हो।